Good morning everyone, welcome back to our online classes again. In the last class we have started our new lesson of geography, that was human environment, settlement, transport and communication. Ki hamara jo manavi vatavaran hai which is developed by us and the basic facilities like settlement ki rover rehne ke liye shelter accommodation rehne ke liye jagah banayegi jo ghar banayega rehne ki vyavastha settlement transport to move from one place to another to take the goods from one place to another transportation communication to provide the message, to convey our message, communication, ये सारी चीजें develop की गई. सबसे पहले मैं discuss करता settlement के बारे में. और settlement के बारे में हमने देखा था urban rural settlement. उसके अलावा according to the climatic conditions we are going to made it. climatic conditions के अनुसार देखा था. In the beginning we were totally depend on nature. शुरुआत में हमने देखा था nature पर ही depend थे हम. Either lives in the caves or on the trees, या तो गुफाओं में रहते या पेड़ों पर रहते. धीरे-धीरे समय के साथ बदलाव आया, हमने इसी प्रकार सेटलमेंट चेंज किए. अब शहरों की बात करें, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब बहुत भीड़ भाड़ देखते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आते हैं. अगर गांव की बात करें, स्कैटर्ड गांव में देखते हैं कि स्पेस मिल जाता है आसानी से. उसके साथ साथ हमने देखा था कि हम क्लाइमेट के अनुसार भी बनाते हैं. जैसे असम वाली जैसे जगह देखे जहां बाढ़ ज्यादा आती हो, तो वी मेड द हाउस ऑन स्टिल्ट और ए हायर प्लेटफॉर्म, ऊंची जगह स्टिल्ट. हम जैसे लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर थोड़ा सा ऊंचा मकान बनाया, नीचे पानी वगैरह अगर ज्यादा बाढ़ की फ्लड वाले इलाके हैं, बारिश वाले इलाके ज्यादा हैं, उस प्रकार का स्नोफॉल होता है तो स्लोपिंग रूफ्स बना दी गई. उसी प्रकार जो हॉट एरिया है वहां किस प्रकार के बना दिए गए, थिक वॉल मेड ऑफ मड, कच्ची मोटी दीवारें जो कि कंजर्व करती हूँ कि हमारे यहाँ ज्यादा हीट को ट्रांसपेरेंट अगर होंगी तो हीट आसानी से आ जाए उस गर्मी से बचने के लिए, इस प्रकार की. अब हमारे सामने नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन है क्या, we move from one place to another. हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो. पहले क्या थे, या we used animals, पहले हम जानवरों का इस्तेमाल करते थे. even to carry the goods, अगर हमें सामान एक से दूसरी जगह ले जाना है, again requirement of transportation and the same, we used animals in the past. पुराने समय में animals का इस्तेमाल करते थे. अगर भारत की बात करें, donkeys, mule, horses, camels, तो हम चाहे bullock, बैल, ox, यानी हम बैलगाड़ी वगैरह, फिर ऊंट, उसके साथ साथ हॉर्सेस, उसके साथ साथ म्यूल, खच्चर, डंकी, गधे, इन सब का इस्तेमाल करते थे सामान ढोने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. कुछ तो आज भी इस्तेमाल होते हैं. अगर ग्रामीण प्रवेश में देखें तो कुछ जानवर आज भी इस प्रकार जस्ट टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू डिफरेंट प्लेसेस हम इस्तेमाल करते हैं इनका. तो ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आइदर वी मूव, या तो हम पैदल जाते हैं या फिर जानवरों का इस्तेमाल करते, और उसके साथ साथ व्हेन वी कैरी द गुड्स, या हम सामान एक दूसरी जगह जाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन में हमने पहले जानवर उनका इस्तेमाल होता है, देन आफ्टर व्हेन वी डिस्कवर्ड द व्हील, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज डेवलप, तो हमारे पास तेज गति का ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो गया. अब ट्रांसपोर्टेशन को भी हमने महत्वपूर्ण चार भागों में डिवाइड किया है. अब पुराने समय की बात करें, अगर हमारे पास व्यापारी वर्ग, द ट्रेडर्स हु केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस और डिस्टेंस लैंड्स, दूर दराज से हमारे पास आते, दे यूज द सी रूट, ज्यादातर सी रूट का इस्तेमाल किया गया, और आइदर लैंड रूट या लैंड रूट का इस्तेमाल करते, एंड दे टेक सेवरल मंथ्स टू रीच टू अनदर प्लेस, उनको कई महीने लग जाते दूसरी जगह पहुंचने में. एंड नाउ डेज वी कैन कवर ए लॉन्गर डिस्टेंस इन फ्यू आवर्स थ्रू एयरवेज, आजकल एयरवेज के द्वारा कुछ समय में हम कवर कर लेते हैं कई हजार किलोमीटर का डिस्टेंस. तो इसलिए हमने अब ट्रांसपोर्ट की बात है, तो ट्रांसपोर्ट हमने चार महत्वपूर्ण भागों में डिवाइड किया, पहले रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट रोडवेज. सबसे पहले हम रोडवेज की अगर बात करें, रोडवेज इट इज द चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ए शॉर्टर डिस्टेंस एंड विद स्मॉल गुड्स, कि अगर हमारे पास सामान कम है, डिस्टेंस कम है, तो हम ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करें रोडवेज. इसमें रोडवेज में अगर बात करें, रोड किस प्रकार के, मेटल्ड एंड मेटल्ड, दो प्रकार के हैं, पक्के और कच्चे. हाईवेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की बात करते हैं, दीज आर मेटल रोड्स. एंड मेटल की बात करें तो हमारे खेतों के रास्ते होते हैं, विच आर नॉट यूज इन द रेनी सीजन बेसिकली. अगर रेनी सीजन की बात करें तो कई बार इस्तेमाल नहीं हो पाते हो, तो अनमेटल्ड है. और हमारे पास रोड नेटवर्क की बात करें, इट इज हाईएस्ट इन द प्लेन्स, तो प्लेन्स है उसमें सबसे ज्यादा रोड हमारे पास मिलेंगे, बिकॉज फ्लैट एरिया, समतल जगह है, उसके ऊपर आसानी से रोड डेवलप किए जा सकते हैं. दूसरा, कॉमर्शियल पर्पज से प्लेन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरियाज,
एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिव एरियाज हैं, जिसकी वजह से यहाँ आसानी से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। अब उसके साथ साथ हालांकि रोड तो डेवलप किए जा सकते हैं इन द हाई एल्टीज माउंटेनियस एरियाज इवन इन डेजर्ट्स, यानी मरुस्थलीय इलाके हैं या पहाड़ी इलाके, उसके अंदर भी रोड डेवलप किए जा सकते हैं। अब हमारे पास अगर रोड की बात करें तो इसमें हम रोड तो डेवलप किए गए अलग अलग प्रकार के, उसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास माउंटेनियस एरियाज में हाई एल्टीज में बनाया गया तो मनाली और लेह का जो हमारा मनाली से लेह का जो हिमालय रीजन में हमारा रास्ता है हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे ऊंचे रास्तों में से, यानी रोड हाइट स्लोप्स के ऊपर भी डेवलप किए जाते हैं, एंडुलेटिंग टेरेन पर भी डेवलप किए जाते हैं, डेजर्ट में भी डेवलप किए जा सकते हैं, रोड डेवलप किए जा सकते हैं, और मनाली और लेह संसार के सबसे ऊंचे रोड में से एक है। उसके साथ साथ अगर हमारे पास किसी जगह के ऊपर वी हैव टू टेक अंडरग्राउंड, अगर हमें कहीं से मान लो अंडरग्राउंड निकालना है कोई भी रूट, तो उसको हम बोलते हैं सबवेज। और उसके साथ साथ अगर हमें कहीं ऐसा लगता है रिवर्स वगैरह हैं तो उसके ऊपर से क्रॉस करना फ्लाईओवर्स, फ्लाईओवर्स बना दिए गए ऊपर से। ये हमारे पास है रोडवेज के अलग अलग माध्यम। अब हमने जब शुरुआत में ट्रांसपोर्टेशन की बात की तो हम देख रहे थे कुछ ये तो कॉमन एनिमल्स हैं कि हॉर्स है, म्यूल है, डंकी है, कैमल्स है। इसके अलावा अगर अलग अलग इलाकों की बात करें, साउथ अमेरिका में जो एंडस माउंटेन रेंज है उसके अंदर जो जानवर इस्तेमाल किया जाता है लामाज, और व्हाट आर लामाज, कैमल्स विद टू हम्प। आपने ऊंट देखा होगा उसके ऊपर ऊपर का हिस्सा होता है उठा हुआ, तो वैसे ही उसको बोलते हैं हम्प, उसी प्रकार उसको दो होते हैं एक। उसी प्रकार याक तिब्बत में इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एटसेट्रा। तो सबसे पहले हमारा था रोडवेज, रोडवेज में मेटल और अनमेटल कच्चे और पक्के रास्ते, उसके साथ साथ रोड ज्यादातर प्लेन्स में है ज्यादा डेंसिटी, लेकिन रोड कहीं भी डेवलप किए जा सकते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सस्ता भी पड़ता है अगर कम दूरी तक जाना हो और सामान कम लेके जाना हो कहीं आसपास तो, क्योंकि वहां तक और बाकी सुविधाएं, अगर हम एयरवेज की बात करें तो उसको टेक ऑफ होने में ही समय लग जाता है, यानी इतना डिस्टेंस कवर करते हैं वो तो पॉसिबल नहीं होता, तो रोडवेज सबसे सही पड़ते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम सामान के लिए अगर हमें कहीं जाना है तो। उसके साथ साथ रोड कहीं भी डेवलप किए जा सकते हैं, डेजर्ट में डेवलप किए जा सकते हैं, माउंटेन एरियाज में डेवलप किए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें अंडरवेज और अंडर पाथ अगर डेवलप करने, सबवे जिनको बोलते हैं, तो अंडरग्राउंड डेवलप किए जा सकते हैं, और सम टाइम व्हेन देयर इज एन ऑब्स्टेकल लाइक रिवर्स, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना है रास्ते में कोई नदी है, फ्लाईओवर्स कैन बी मेड, फ्लाईओवर्स बनाए जा सकते हैं। ये था हमारा रोडवेज। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद रेलवेज। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।